हिंदू धर्म में हर त्योहार के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं और वजहें होती हैं, और होली के त्योहार के पीछे भी ऐसी मान्यता है। दरअसल होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक क्रूर राजा था, जो कि ईश्वरी और अवहेलना करता था, और उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उतना ही बड़ा भक्त था। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सजा देने के लिए अपनी होलिका नाम की बहन को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ जाने का आदेश दिया। दरअसल होलिका को ये वरदान था कि उसके ऊपर अग्नि का कोई असर नहीं होगा, पर जब वो प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से चिता सजाकर अग्नि पर उसे लेकर बैठ गई तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका अपने वरदान के बावजूद उस अग्नि में जलकर राख हो गई। तब से उसी के प्रतीक स्वरूप होली के एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। ऐसे में होलिका की अग्नि बेहद पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है, साथ ही इसकी राख भी बेहद शुभ मानी जाती है। इसीलिए होलिका दहन के अगले दिन लोग होली जलने के स्थान पर जाकर वहाँ होली की भस्म उड़ाकर धुलैंडी मनाते हैं। वहीं कुछ लोग इस होली की राख को अपने साथ घर भी ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चार सिद्ध रात्रियों में से एक होलिका दहन वाली रात भी होती है, और ऐसे में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए होलिका दहन को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय से मनचाहा फल मिलता है। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि होली की पवित्र अग्नि और भस्म का प्रयोग कर आप इसकी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ ले सकते हैं। दरअसल होली की भस्म को लेकर मान्यता है कि इसमें देवताओं की कृपा होती है, और ऐसे में इसे माथे पर लगाने से सौभाग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं होली की भस्म को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस राख से शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में इस भस्म का लेप करने से कई तरह से त्वचा संबंधित रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली की भस्म का लेप करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना लाभकारी सिद्ध होता है। वंदितासी सुरेंद्र देड़ ब्रह्मणा शंकरचर्य अस्तत्व पामी मा देवी भूति भूति प्रदा भव। साथ ही होली के लिए भस्म के लिए एक मान्यता ये भी है कि इसे घर में लाने से घर में नकारात्मक और अशुभ शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है, इसलिए लोग इसे घर में लाकर रखते हैं। वहीं कुछ लोग इसे तावीज में भर कर धारण करते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव से बच सकें। तो ये थे होली के अचूक टोटके, आप भी आजमा सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।